हेलो एवरीवन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9th भी वैसे ही ब्रैकेट वाला क्वेश्चन है जैसे पहले किया हमने, ठीक है। तो बस ये मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये ब्रैकेट्स होती हैं तो ये बाहर जो नंबर है इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको देख ही रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, ठीक है। तो 3 5 का कितना होता है बताओ, 15। जेड माइनस 7 3 का 21 माइनस आ गया, देखो ध्यान से करने का माइनस वाला। तो इसमें क्या करेंगे, अब देखो ब्रैकेट लगाएंगे पहले, 9 2 का 18। जेड माइनस 11 2 का 22, इस तरीके से आ रहा है समझ में, ठीक है। इक्वल टू में है फिर देखो 4 8 था 32। जेड माइनस 13 4 था 52 और ये माइनस का 17 बाहर आ गया है, ये इधर वाला था, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इसको देखते हैं, ये है 15 जेड माइनस का 21, ये है माइनस का 18 जेड, ये अब माइनस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 22, क्लियर है। एक्चुअली में ये क्यों साइन चेंज होता है, देखो मान लो ये माइनस है, ये 1 है मान लो, ठीक है। माइनस का 1, माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस का 18 जेड आएगा, और माइनस 1 माइनस 22 से होएगा तो प्लस का 22 आएगा, इस वजह से साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो हम बस ये बोल देते हैं कि माइनस है तो बस ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये ध्यान देना है, ठीक। इक्वल टू में इधर क्या है, ये 32 जेड। अब देखो माइनस माइनस क्या हो रहा है इधर, 52 माइनस का है, ये माइनस का 17। माइनस माइनस प्लस एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस आएगा, बट 52 में 17 ऐड करेंगे तो ऐड कर लो 69, ठीक है। तो ये माइनस का कितना आ रहा है आपके पास, 69, ठीक है। यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो 15 जेड में और साथ में माइनस का 18 जेड लिख लेता हूँ, और ये माइनस का, या ऐसा करते हैं देखो 15 जेड इधर रखा, माइनस का 18 जेड इधर रखा है, ठीक है, और इधर भी ये जेड वाली टर्म है तो इसको ले आता हूँ मैं इधर, तो माइनस का 32 जेड बन जाएगा, जेड वाले एक तरफ हो गए, ठीक है, और इधर माइनस का ये 69 है, और इधर से ये माइनस का 21 इधर जाके प्लस का 21 बन जाएगा, और प्लस का 22 इधर जाके माइनस का 22 बन जाएगा, ईजी है, ठीक है। अब इनको सॉल्व कर लो, देखो 15 जेड और ये देखो माइनस माइनस प्लस एंड द साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस ही आएगा क्योंकि 32 के साथ माइनस है, और 32 में 18 ऐड कर दो, कितना आ रहा है ये 50, ठीक है, ये आ गया 50 जेड। सिमिलरली यहाँ भी माइनस का 69 है, प्लस माइनस माइनस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो ये माइनस का 1 आएगा क्योंकि 22 में से 21 करेंगे माइनस तो 1 आता है, और साइन कैसा आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर दिया, लेकिन साइन वो आएगा जो बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के साथ क्या है, माइनस है तो माइनस 1 आया, क्लियर है। अब देखो यहाँ से देखो 15 जेड है और ये माइनस का 50 जेड है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस ही होना है, 50 में से 15 माइनस ही होंगे, लेकिन साइन विच इज़ ग्रेटर, तो 50 के साथ माइनस है तो माइनस, तो 50 में से 15 माइनस करो कितने बनते हैं आपके पास, 35 जेड, क्लियर। और माइनस माइनस यहाँ भी क्या होगा, प्लस साइन विच इज़ ग्रेटर, तो माइनस का साइन आएगा, 69 के साथ माइनस है क्योंकि, बट ये प्लस हो रहे हैं, माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो 69 और 1 कितना हो गया, 70। अब देखो जेड कैसे आएगा, माइनस का 70 ये है अपॉन में ये माइनस का 35 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर जाके ये डिवाइड होगा इक्वल टू से, क्लियर। इक्वल टू में जब जाएगा उधर माइनस से माइनस कैंसिल, और 35 टू ज़ा 70 होते हैं, तो जेड की जो वैल्यू आई है वो आई है आपके पास 2, और ये आपके पास इसका आंसर होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान देना है, मल्टीप्लाई ध्यान करना है, और फिर जो माइनस वाले हैं वो ध्यान से करना है, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन। ओके जी, थैंक यू।